और पिछले 4 सालों से यमाई लाइफस्टाइल इस टीम ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ये एक जाचा परखा एक सेक्टर है जो आज की दुनिया में सभी वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है कि हम ऑर्गेनिक फूड कैसे सप्लाई किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटर होने से पहले कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में आज आप 2 दिन में इतना सीखने वाले हैं, इतना मिनिमम आप सीख के जाओगे कि आप आपका इंडिया एग्रो का बिजनेस कर सकते हैं। यही एक शॉर्टकट है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ये ऐसा एक शॉर्टकट है जो आपको अगर आज इस साल में अगर आप TC बने हो कंपनी के, तो अगले साल आप इसी इंडिया एग्रो के हाथ में हाथ मिला के आप डायमंड बन सकते हो। इतनी जबरदस्त ताकत आज इस सेक्टर में है। कुछ चीजें शुरुआत होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में अपने प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले ये कीड़ा होता क्या है ये आप समझ लें। हर कीड़े के पीछे में एक बटरफ्लाई होती है, पंखुड़ी होती है। बटरफ्लाई जो आपको अलग अलग प्रकार की फूलों के ऊपर में आते हुए देखते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग बटरफ्लाई होती है। हर कीड़े के पीछे में बटरफ्लाई होती है। बटरफ्लाई में नर और मादा होते हैं। इनका जीवनी आपको जानना बहुत जरूरी है कि कीड़ा आता कहाँ है और जाता कहाँ है। अगर कीड़े में नर और मादा होते हैं, एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो रियल है। अमावस और पूरनमासी, इस बारे में आप सब लोग जानते हैं। अमावस का और पूरनमासी का भी अपने जीवन के ऊपर में उतना ही प्रभाव होता है जितना कि कीड़ों के ऊपर में होता है, या फिर इस पृथ्वी धरातल पे जितने भी जीव है उनके ऊपर में इनका प्रभाव होता है। जीवन की उत्पत्ति, हर किसी जीव की उत्पत्ति मैक्सिमम आपको अमावस के दिनों में शुरुआत होती है। अमावस के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ये नर और मादा जो होते हैं बटरफ्लाई के, उनका मिलन होता है। मिलन होने के बाद में अमावस के दिनों के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद मिलन होने के बाद में नर बटरफ्लाई इमिजिएटली मर जाता है। मादा बटरफ्लाई मिलन होने के 2 दिन बाद अंडे डालती है। एक मादा बटरफ्लाई का अंडे डालने का कैपेसिटी होता है 5 अंडे से लेके 5000 अंडे तक। आप यकीन मानिए, हर अंडे से जो जीव निकलता है वो नुकसान करता है अपनी खेतों का, अपनी खेतों में उगने वाले पौधे का, अपनी खेतों में उगने वाले अनाज का। 5 से 5000 अंडे तक जब डालने की क्षमता रखता है एक मादा बटरफ्लाई, अंडे डालने के बाद में भी मादा बटरफ्लाई भी मर जाता है। अंडे डाले जाते हैं पौधे के सक्यूलेंट पार्ट पे, फूल पे, फल पे या पत्तों के ऊपर में, ऊपरी सतह के पत्तों के ऊपर में अंडे डाले जाते हैं। अंडे अपने खुली आंखों से हमें दिखते नहीं है। अंडे डालने के बाद में 3 दिनों के बाद उसमें से एक छोटा जीव बाहर निकलता है जो बालों अपने पंखुड़ी के बाल जो होते हैं उसके अगर हम 4 पार्ट करें तो उस पार्ट इतने छोटे छोटे जीव उस अंडों से बाहर निकलते हैं और वो अपने खेत के ऊपर में खाना चालू कर देते हैं और वो बढ़ते बढ़ते 6 अवस्थाओं से गुजरते हैं और उसके बाद में जो इल्ली बड़ी होती है या सुंडी जो बड़ी होती है जो हमें अपने खेत में दिखती है वो आखिरी अवस्था की इल्ली होती है जो पूरा नुकसान करके आने वाली इल्ली होती है। उसके बाद में हमारा किसान भाई जाग जाता है और उसे मारने के लिए बड़ी बड़ी दवाइयों का इस्तेमाल करता है और वो लार्वा कैटरपिलर या फिर सुंडी या फिर इल्ली जिसे हम बोलते हैं वो फिर कोश अवस्था में या ऊर्जित अवस्था में चला जाता है जमीन के अंदर और जब भी उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो फिर से वो कोश अवस्था से एक बटरफ्लाई बन के बाहर निकलता है। फिर अगली अमावस आती है और अगली अमावस में फिर नर मादा का मिलन होता है, फिर अंडे डाले जाते हैं। इस तरीके से एक कीड़े का जीवन क्रम जो होता है वो 21 दिन से लेके 42 दिन तक होता है। एक साल में एक कीड़ा 21 से 45 42 जनरेशन कंप्लीट कर सकता है। मतलब ह्यूमन बीइंग का, आदमी का जो जनरेशन होता है वो 60 से 65 साल का इंडिया में होता है। इसी तरीके से कीड़े का एक जनरेशन 21 से 45 दिन का होता है और साल में वो 42 जनरेशन कंप्लीट करता है।
तो कीड़ों के बारे में इतना जानना बहुत जरूरी है। तो इससे एक सीख मिलती है कि जब भी बाल्यावस्था में कीड़ा होता है, सुंडी होती है या फिर इल्ली होती है, उसी समय उसे कीड़े के ऊपर में स्प्रे करके या छिड़काव करके उसे अटकाव किया जा सकता है या फिर उसे मारा जा सकता है। इसका मतलब अमावस के छठे दिन से लेके 10 दिन तक या 15 दिन तक आप अपनी दवाइयों का छिड़काव अच्छी तरीके से अगर करेंगे तो आपको कीड़ों से इमीडिएटली निजात पा सकते हैं और आपका पौधा कीड़े रहित हो सकता है। नेक्स्ट, कीड़ों में जनरली अगर हम जानना चाहे तो कीड़ों में जनरली चार प्रकार के कीड़े होते हैं, जिसे पियर्सिंग एंड सकिंग, भेदी और चूसने वाले कीड़े, जिसमें जनरली एफिड, जासिड, थ्रिप्स और माइट्स ये वाले कीड़े होते हैं। ये अपने पत्तों के ऊपर, फलों के ऊपर में रस चूसने का काम करता है। पत्तों में जैसे हरा कलर होता है, हरा रंग होता है, जो कि पत्तों को अपनी पौधे का किचन माना जाता है, जहां पर हर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है। अपनी पत्तों में अपने पौधों के लिए खाना बनाया जाता है और वो खाना अपनी सूर्य किरण के द्वारा, सूरज के रोशनी के साथ में अगर वो क्लोरोफिल जो हरा कलर होता है उसका फोटोसिंथेसिस होके कार्बन साइकिल का, प्रोटीन साइकिल, देन नाइट्रोजन साइकिल या फिर सिंथेसिस, ये सब बायोकेमिकल रिएक्शन अपनी पत्तों में होता है और वो कन्वर्शन होके पौधे में फूड बनता है। ये भेदी और रस चूसने वाले कीड़े वो हरे कलर को ही खा डालते हैं, इसके लिए वो फल भी नीचे गिरते हैं, फूल भी नीचे गिरते हैं और पत्ते भी अपने मुरझा जाते हैं और अपने पौधों का विकास नहीं हो सकता। दूसरे प्रकार का कीड़ा होता है चबाने और काटने वाला, चुइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथपार्ट। जो भी पत्ते या फल खाए हुए रहते हैं वो इल्ली वाला सेगमेंट या सुंडी वाला सेगमेंट इसे कहा जाता है। रास्पिंग प्लांट टिश्यूज, ये छीलन वाले कीड़े होते हैं जिसे व्हाइट फ्लाई बोला जाता है, सफेद मक्खी बोला जाता है या मक्खी वाला कीड़ा बोला जाता है। ये पत्तों के ऊपर में पहले छीलन करता है, जैसे खटमल खून पीने वाला कीड़ा होता है जो अपनी स्किन के ऊपर में पहले छीलन करता है। छीलन करने के बाद में अपना खून बाहर निकलने के बाद में उसे पीकर वो निकल जाता है। इसी तरीके से अपनी पत्तों को नुकसान करने का काम ये वाले कीड़े करते हैं। और चौथे प्रकार के कीड़े होते हैं जो